लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने देश में विकास की बात के साथ ही अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने बीजेपी पर राज्य सरकारों को अस्थिर करने के आरोप लगाए हैं। चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए वाड्रा ने कहा कि मेरी मेहनत जारी है और आगे अगर लोगों को लगेगा कि मैं बदलाव ला सकता हूं और कांग्रेस को लगेगा कि मुझे आना चाहिए, परिवार का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं जरूर सक्रिय राजनीति में आऊंगा। रॉबर्ट वाड्रा के अनुसार जिन राज्यों में कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी सत्ता में होती है वहाँ नेताओं को जबरन जेल भेजा जाता है, उन्हें संसद से बाहर निकाला जाता है। इसे लोकतंत्र नहीं तानाशाही कहते हैं। वाड्रा ने आगे कहा कि मैं किसी को चुनौती देने के लिए नहीं लड़ूंगा। हालांकि स्मृति ईरानी ने संसद में मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया और बेबुनियाद आरोप लगाए। वह महिला है, मैं उनका आदर करता हूं, पर अगर कोई भी ऐसे आरोप लगाते हैं तो साबित करना बहुत जरूरी है। खाली अमेठी से नहीं, पूरे देश के हर कोने से पुकार आ रही है मुझे सक्रिय राजनीति में आने के लिए। अब अमेठी से इसलिए है कि मैंने 99 से वहाँ प्रचार किया लोगों के बीच में, और वहाँ से बात ज़्यादा उठ रही है क्योंकि पोस्टर और काफ़ी चीज़ें लगनी शुरू हुई। अब दूसरे जगह में भी पोस्टर लगे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि आप हमारे तरफ से आइए, हमारे क्षेत्र से आइए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो हमने आपकी मेहनत समझी है, मेहनत देखी है कि आप अपने चैरिटी के द्वारा और लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए बहुत करते हैं और एक गांधी परिवार के सदस्य हैं, तो उन्होंने देखा है कि जानते हैं कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए कितना किया है और करते आए हैं और करते रहेंगे। तो उनको लगा कि अगर इस चुनाव में मैं अमेठी से लड़ूं तो वहाँ जो उन्होंने गलतियाँ की हैं कि स्मृति जी को वहाँ के सांसद बनाने के लिए, तो उनसे लग रहा है कि उससे वो जो भूल चुक हुई है उससे वो आगे बढ़ेंगे और मुझे भारी बहुमत से जिताएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि मैं कैपेबल हूँ या बदलाव ला सकता हूँ, जो लोग तो चाहते हैं और वो देखते हैं कि जहाँ भी मैं रहूँगा या जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करूँगा उसमें बदलाव रहेगा और ज़रूर एक सेक्युलर एरिया होगी और जो बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं या मतलब महिला सुरक्षा या